हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी ठीक। तो आज मैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3 को लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोगों को बेसिकली मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना? तो इंतजार लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना? टॉपिक को पहला टॉपिक इसमें होगा मोलारिटी, है ना? मोलारिटी। अच्छा बेटा, मोलारिटी स्टार्ट करने के पहले एक सॉल्यूशन जो होता है ना, ये सॉल्यूशन दो तरह का सॉल्यूशंस होता है। एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होता है, दूसरे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिसका मोलारिटी एक से कम रहे, है ना? जिसका मोलारिटी एक से कम रहे वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होता है, जिसका मोलारिटी एक से ज्यादा रहे वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होता है। कॉपी के बाद जहाँ पे भगवान जगह दिया है वहां पे बच्चे लिख लेंगे, सॉरी, है ना? कि जहाँ पे मतलब क्या बोलते उसको, जो सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी एक से कम है वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और जिस क्वेश्चन का मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद एक से ज्यादा आ जाए वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो मोलारिटी स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना? पहला लेक्चर हम लोग जस्ट उसी के बाद एक्सटेंड करेंगे, है ना? चलते हैं। तो मोलारिटी हम लोग लिखते हैं मोलारिटी, है ना बेटा? मोलारिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। गलती से ये स्मॉल एम लिखोगे तो ये स्मॉल एम मोलालिटी हो जाता है ना? तो इस मोलारिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखा जाए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना? नंबर ऑफ मोल, ये विशेष ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना? प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना? इज कॉल्ड व्हाट? मोलारिटी। हम लोग समझेंगे अभी, है ना? डिफिनेशंस को समझेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, है ना? किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। चलो देखते हैं कि ये मोलारिटी होता क्या है। सिंपली आप समझ लें कि एक बीकर है ना, ये बीकर है, इस बीकर में कुछ सॉल्यूशंस रखा गया है। अच्छा, ये सॉल्यूशंस हम कितना मान, कितना है? 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर। अब बोला जा रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ना? ये जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस सॉल्यूट का मोल कितना है ना? नंबर ऑफ मोल, मोल चाहिए किसका? सॉल्यूट का, जो कि प्रेजेंट है, जो कि इसमें प्रेजेंट है। कितना में प्रेजेंट है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना? सिंपली जैसे मान के चल कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में सॉल्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी तो सॉल्यूशन बना रहे हैं हम ना। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है? अच्छा, किसका प्रेजेंट है? सॉल्यूट का प्रेजेंट है ना? मतलब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मोलारिटी बराबर, हम लोग लिख सकते हैं कि मोलारिटी बराबर, एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल, है ना? नंबर ऑफ मोल। अच्छा, ये मोल किसका चाहिए, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? बेटा सॉल्यूट का चाहिए, क्योंकि डिजॉल्व हम हमेशा क्या करते हैं? सॉल्यूट, है ना? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट, और किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये वॉल्यूम अभी कितना मान रहे हैं? 1 लीटर मान रहे हैं, है ना? 1 लीटर, तब जाकर के पहला फॉर्मूला बनता है ना? अच्छा, हम लोग जानते हैं, एज वी नो, हम लोग जैसा कि जानते हैं, भले आप जानो या नहीं जानो, फिर भी हम लोग लिखते हैं एज वी नो, है ना? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है व्हाट बेटा? गिवन मास बटा व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉरी बचपन से नहीं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मोल बराबर गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास। बेटा गिवन मास को हम लोग लिखेंगे ए से और मॉलिक्यूलर मास को लिखेंगे बी से, तो ये क्या मोल आ जाएगा, है ना? मोल बराबर, है ना? मोल बराबर ए बटा बी। अच्छा, ए क्या है? गिवन मास। बी क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, किसका? जो चीज डाल रहे हैं वो
बोले तो सॉल्यूट का, तो सिंपली इस फार्मूला पे अगर ए बी पुट करेंगे तो मोलारिटी का कुछ ऐसा फार्मूला बनेगा। देखिए तो मोलारिटी बराबर मोल, मोल को हम लोग ए बटा बी लिख सकते हैं, इनटू नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम है ये किसमें बेटा लीटर पे है ना, ये लीटर पे है, ये पहला फार्मूला बन गया है ना, बहुत आसान है। लेकिन क्वेश्चंस में बेटा जनरली ऐसा देखा गया है कि वॉल्यूम जो है वो लीटर में नहीं देता, वो एमएल में देता है ना। तो एमएल में कन्वर्ट करने के लिए आसानी से पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 एमएल, तो इसको अगर हमको एमएल में करना है तो बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान करेंगे कि ए गुने 1000 बटा है ना बी गुने भी, और ये अब इसमें आ गया एमएल में आ गया, यही है आपका फाइनल फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है बेटा, स्टार मारिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा ये फॉर्मूला तब लगाइयो जब वॉल्यूम लीटर में दिया हो, ये फॉर्मूला तब लगाइयो जब वॉल्यूम एमएल में दिया हो, श्योर डन, कोई दिक्कत नहीं नहीं होना चाहिए है ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, श्योर वॉल्यूम। अच्छा ए क्या है आप बता दो, ए क्या है, वेयर ए क्या है आप बताओ, ए क्या है ए क्या है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट है ना, गिवन मास ऑफ क्या सॉल्यूट। बी क्या है, और यार बी तो सर पक्का मॉलिक्यूलर मास है सर, किसका किसका सॉल्यूट का ही होगा है ना, और भी क्या बेटा वॉल्यूम बस है ना, यहां से ये चीज लिखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से झारखंड में 3 बार क्वेश्चन आया है यहाँ से कि मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करें 3 मार्क्स में, हालांकि बहुत ही बेहद मतलब अच्छा क्वेश्चन दी है ना। तो अगर आप भी जाए मोलारिटी क्या है तो क्या लिखोगे कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल, किसका मोल, सॉल्यूट का मोल किसमें प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे मोलारिटी कहेंगे। तो थोड़ा सा जल्दी, अच्छा इसका अगर हम बात करेंगे है ना, इसका अगर हम यूनिट का बात करेंगे, यूनिट का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिट बताइए तो ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो लिख सकते हैं इसका यूनिट मोल पर लीटर है ना, आसानी से हम लोग इसका यूनिट लिख सकते हैं, ये मेरा यूनिट आ गया है ना, मोल पर लीटर बोल सकते हैं इसको है ना। तो थोड़ा जल्दी लिखिएगा, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, डो फास्ट वी विल डो न्यूमेरिकल्स, थोड़ा जल्दी मिटाते हैं और फॉर्मूला उधर लिखा है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र ना रहे, 11 क्लास में भी पढ़ाया जाता है, आप लोग तो पढ़ते नहीं है सर, 11 क्लास तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, चलिए नहीं पढ़ते थे, यहाँ फिर से मौका मिल गया सर, हम लोग टीचर बोलते हैं 11 क्लास इज द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, नहीं बेटा फर्स्ट ईयर इज द लाइफ मेकिंग ईयर है ना। चलिए तो क्वेश्चंस लिखते हैं है ना, क्वेश्चंस लिखते हैं, कैलकुलेट मोलारिटी है ना, कैलकुलेट मोलारिटी इफ इफ 10 मोल ऑफ है ना 10 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन है ना। आगे देखिएगा सॉल्यूशन, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कितना मोल ग्लूकोज डाला जा रहा है बेटा 10 मोल, इसका मतलब क्या है कि मोल दे दिया है ना, मोल डायरेक्टली दे दिया है, तब तो बहुत ही आसान है, तब तो बेहद ही आसान है ना, मतलब क्या है कि मोल दे दिया है, कितना मोल दे दिया है 10 मोल दे दिया है ना 10। वॉल्यूम कितना दे दिया है 5 लीटर दे दिया, तो बहुत ही बढ़िया है, 5 लीटर दे दिया तो और बढ़िया है। तो मोलारिटी अगर यूज करेंगे तो मोलारिटी बराबर क्या, मोल बटा वॉल्यूम, मोल दे दिया है ना, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल है ना बटा व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। चलिए तो नंबर ऑफ मोल कितना दे दिया बेटा 10 है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 5, कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर है ना, दिस इज द व्हाट आंसर, बहुत ही आसान था बेटा इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं देता है, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं है ना, और इस क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे तो हम मिटाते हैं, कुछ
कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, हाँ इसको मिटाते हैं। हाँ चलिए, बहुत ही बच्चा, बहुत ही बढ़िया है ना, चलिए ना। तो मोलारिटी बराबर आया ए गुने 1000 बटा बी इंटू भी, और भी आया एमएल में आया। अगला क्वेश्चन लिखा जाए बच्चों, है ना, कैलकुलेट मोलारिटी, है ना, कैलकुलेट मोलारिटी इफ इफ, है ना, इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व, है ना, डिसॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। सर ये तो बहुत बड़ी गाना क्वेश्चन दे दिया सर, ये तो हमसे नहीं बनेगा, है ना सर। ये क्या क्या दे देते हैं सर, कुछ नहीं देते हैं, आप चलते ही डराते हैं, क्या क्या दे दिया है ना। आप डाटा पकड़िए, सबसे पहले बेटा आप कोशिश करिए कि क्या चीज को डिसॉल्व किया जा रहा है, मींस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूट, है ना, कि सॉल्यूट कौन है। वो क्लियर कट लिखा है यहाँ पे बेटा कि 49 ग्राम H2SO4 को डिसॉल्व किया गया है, किया गया है मीन सॉल्यूट। तो यहाँ पे है ना क्या किया गया है, H2SO4 किसमें, सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूशन है बेटा 500 ml, बहुत बढ़िया बात है। मींस अगर हम बात करें तो गिवन मास दे दिया है, गिवन मास मतलब व्हाट ए दे दिया है, कितना 49, बहुत बढ़िया 49 ग्राम, बहुत बढ़िया। बी दे दिया मॉलिक्यूलर मास दे दिया, अच्छा ये बी मॉलिक्यूलर मास का H2SO4 का कितना होगा बताइएगा आप लोग, है ना, इस H2SO4 का बेटा एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो कैलकुलेट करोगे 98 आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलते हैं, वॉल्यूम दे दिया कितना 500 ml दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, है ना। चलते हैं अब मोलारिटी निकालने बोल रहे हैं, मोलारिटी बराबर, अच्छा एमएल वाला फार्मूला ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बहुत बढ़िया। पुट करते हैं ए इनटू 1000 बटा बी इनटू भी, बहुत बढ़िया, ए दे दिया है 49 बच्चों, 1000 ऊपर है बटा बी दे दिया कितना बच्चा 98, है ना, इनटू वॉल्यूम कितना दे दिया 500 बच्चों, ये कितना बार में, दो बार में, ये कितना बार में, दो बार में, ये कितना बार में, दो। सर आप कैसे कैसे कर देते हैं, आप कैलकुलेट कर लोगे तो पता चलेगा कि मोलारिटी बराबर कितना आ गया 1 mole per liter, है ना, दिस इज द व्हाट आंसर, है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं श्योर, तो थोड़ा जल्दी दिखिएगा अगला क्वेश्चन फिर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है, चलते हैं, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है, अपना है, और अगर अच्छा लगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। इफ 50 ग्राम ऑफ अननोन सॉल्यूट, है ना, इज डिसॉल्व इन, is dissolved in, है ना, 200 ml solution having molarity, है ना, having molarity is, है ना, 0.5, क्या बन जाएगा, है ना। चलो तो देखते हैं, पहले डाटा देखते हैं, इस क्वेश्चंस में डाटा क्या क्या दे दिया है बेटा, एक अननोन सॉल्यूट है, मतलब हमको पता नहीं है कि सॉल्यूट जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा है, we don't know, वही चीज तो निकालना है ना, है ना, देन कैलकुलेट, है ना, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मतलब बेटा अच्छा ये 50 ग्राम सॉल्यूट का डाला जा रहा है कितना ग्राम, 50 ग्राम, मींस व्हाट ए दे दिया है, तो ए दे दिया 50 ग्राम, बहुत बढ़िया बात है बेटा। बी हमको निकालना है, अच्छा वॉल्यूम दे दिया कितना बेटा 200 ml दे दिया है, अच्छा मोलारिटी दे दिया क्या क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल दे दिया 0.5 दे दिया, तो पुट करोगे सर जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप बताए थे मोलारिटी बराबर होता है ए ए इंटू 1000
b into b होता है, a बेटा 50 दे दिया है, 1000 ऊपर है, b हमको पता नहीं है, b ही रहने दीजिए, वॉल्यूम दे दिया कितना 200 दे दिया है और m दे दिया बेटा 0.5 क्या बन जाएगा, है ना? सर हमसे नहीं बनने वाला है ना? तो आप बनाइएगा आसानी से, ये b का वैल्यू निकाल करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, श्योर कमेंट कर दीजिएगा पक्का, श्योर बेस्ट ऑफ लक कि आपका आंसर सही आए और आई होप कि आप सही बन पाओगे पक्का। चलिए तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी लिखते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे। बेटा कुछ अलग बात है ना, कभी कभी क्या करेगा कि मोलारिटी ही निकालने बोलेगा बेटा, और उसमें क्या करेगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट इस तरह का कुछ टर्म होगा जो दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, डायरेक्टली पूछता है मोलारिटी क्या होगा। तो सिंपली है ना कि इस फॉर्मूला का यूज तभी करियो जब वेन है ना, वेन डेंसिटी है ना, वेन डेंसिटी एज वेल एज है ना परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन है ना, गिवन देन तभी ये यूज करना है, देन मोलारिटी बराबर फॉर्मूला होता है 10 गुने डेंसिटी ग्राम पर एमएल गुने परसेंटेज वेट बाय वेट है ना बटा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, बस ये फॉर्मूले याद रखिएगा है ना। 10 10 गुने डी ग्राम पर एमएल इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट बटा मॉलिक्यूलर मास है ना इक्वल टू मोलारिटी। ये क्वेश्चन से एक बार नीट में आया था, तो ये शॉर्टकट हम बता दिए, डायरेक्ट बनाने का तरीका बता दिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से है ना, ये नीट लेवल का है। तो वो नीट में क्वेश्चंस क्या आया था एक बार डिस्कस कर लेते हैं और अच्छा से समझ में आ जाएगा है ना। तो नीट का क्वेश्चंस क्या था है ना, नीट का क्वेश्चंस, नीट का क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा है ना। द डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ 3.6 एम H2SO4 solution that is 29% H2SO4 by mass will be है ना, ये क्वेश्चन था है ना। पहला ऑप्शन दे रखा था 1.64, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 1.88, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 1.22 एंड चौथा ऑप्शन दे रखा था 1.45। मतलब क्या पूछा जा रहा था इस क्वेश्चंस में समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ना। बोला जा रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3.6 एम, अच्छा आप बता पाइएगा कि ये एम क्या है ना, आप बताओ मेरे को, आप बताओ मेरे को कि ये m है क्या। अरे ये m मतलब मोलारिटी, इसका मतलब मोलारिटी इतना दे दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट देखिए यही है, परसेंटेज वेट बाय वेट 29% H2SO4 बाय मास यही तो है परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब। क्या मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिकेशन का पता नहीं है आपको, पता है ना, मोलारिटी दे दिया है मतलब क्या है, एज वी नो दैट कि m बराबर 10 गुने d गुने परसेंटेज वेट बाय वेट बटा व्हाट मॉलिक्यूलर वेट है ना। मोलारिटी कितना दे दिया 3.6 बराबर 10, डेंसिटी हमको निकालना है d रहने दीजिए, परसेंटेज वेट कितना दे दिया 29 और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 98, क्या बन जाएगा आसानी से बन जाएगा, यहां से d जब निकालिएगा तो d बराबर क्या आएगा 3.6 गुने 98 बटा है ना 98 10 गुणे 29, आप कैलकुलेट करके बताओगे कहां पे कमेंट सेक्शन में, श्योर पक्का डन
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, है ना, इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट में बताइए। श्योर, तो ये था मोलारिटी को लेकर के, है ना, ये था मोलारिटी से रिलेटेड बातें। अच्छा, मोलारिटी में थोड़ा सा एक चीज और कभी कभी देता है, सेमी मोलर देगा, है ना, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये थोड़ा जल्दी लिखिएगा, है ना, प्लीज डू फास्ट। लिखिए होंगे तो मिटाते हैं हम। बहुत आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत ही बढ़िया। सर आप तो सिर्फ क्वेश्चन दो, हम तो बना लेंगे, बाकी हमको तो कमेंट का इंतजार है कि आपका क्वेश्चन उसका वो आएगा कब रहेगा, है ना। बेटा कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस है कि ऐसे रहेगा, इसको कुछ अलग बात है, वो पहला मान लीजिएगा या सेकंड मान लीजिएगा कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, है, इन केस ऑफ व्हाट डाइल्यूशन, हम बताए थे पहले कि अगर कोई भी सॉल्यूशन का, है ना, अगर मोलारिटी एक से कम आ जाए तो वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा आ जाए तो कंसंट्रेटेड होगा। तो क्वेश्चंस में अगर डाइल्यूटेड वर्ड लिखा है ना, तो उस कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करना, फॉर ओनली टू सॉल्यूशन, है, अगर दो ही सॉल्यूशन दिया है तो उस कंडीशन में क्या है, एक फॉर्मूला यूज करना, M1V1 बराबर M2V2, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, M1V1 बराबर M2V2। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब क्या होगा कि डाइल्यूटेड वर्ड लिखा होगा और मात्र दो सॉल्यूशन होगा, है ना, तब यूज करना है। अगर मान के चल कि दो से ज्यादा गए, है ना, फॉर मोर देन टू, फॉर, है ना, मोर देन टू सॉल्यूशन, अगर दो से ज्यादा रहे तब इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला, m बराबर लिखते हैं आसानी से m1v1 प्लस m2v2 प्लस जहां तक रहेगा, है ना, बटा v1 प्लस क्या लिखेंगे, v2 प्लस vn तक लिखेंगे, है ना, डॉट डॉट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, है ना, बहुत ही इजी है, है ना, v1 दे देगा, v2 दे देगा, है ना, n पूछेगा। चलिए तो ये क्वेश्चंस अगर हो गया होगा तो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए लिखें, मिटाएं इसको, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी इफ, है ना, 30 ml ऑफ H2SO4 is diluted with 30 ml of H2SO4 is diluted with, है ना, is diluted with 500 ml having molarity is 0.5, है ना, दे दिया क्वेश्चन में। मतलब क्या पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा तो क्या है कि 30 ml दे दिया है H2SO4 का, है ना, सेकंड डाइल्यूटेड किया गया, वर्ड दे दिया ना, डाइल्यूटेड किया गया किसके साथ, 500 ml, और उसका मोलारिटी दे दिया है, मतलब क्या है कि M1 नहीं दिया है, है ना, M2 दे दिया है, कितना दे दिया है, 0.5 दे दिया है, V1 दे दिया बेटा, कितना दे दिया है, 30 ml दे दिया है, और V2 हमको भी दे दिया कितना, 500, क्या डाइल्यूटेड वर्ड, दो सॉल्यूशन है, M1 V1 बराबर व्हाट, M2 V2, बेटा M1 नहीं पता है, V1 पता है, V1 कितना है, 300 है, M2 दे दिया कितना, 0.5 दे दिया है, गुने V2 कितना है, 500 है, इनटू M1, क्या M1 नहीं निकलता है, M1 बराबर कैलकुलेट कर लेना घर में। श्योर, ये था इजी क्वेश्चंस, है ना। चलिए तो अगर यहाँ थोड़ा जल्दी लिखिए, बहुत ही आसान है। Thank you.
पढ़ना था वो क्या पढ़ना है, मोलालिटी पढ़ना है, मोलालिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसमें और मोलालिटी और मोलालिटी में मात्र एक चीज का अंतर है, वो एक चीज का क्या है कि वहां पे एक लीटर सॉल्यूशन में डालते थे और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट का बात करेंगे। जैसे इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन किया जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, है ना, ये डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन वन केजी, बस यही चीज ध्यान देना है, वन केजी सॉल्वेंट, है ना, वन केजी सॉल्वेंट फॉर व्हाट, मोलालिटी, है ना, समझता है यार क्या बोला जा रहा, हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम क्या किए हैं कि एक बीकर लिए, इस बीकर में वाटर ले लिए हैं। अच्छा, ये वाटर जो हम लोग ले लिए वो सॉल्वेंट की जैसा बिहेव कर रहा है, कितना केजी है, एक केजी है। अब एक केजी वाटर में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, है ना, कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 मोल, 20 मोल, 30 मोल, 40 मोल, 1 मोल, 2 मोल, जो भी मोल प्रेजेंट होगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एक केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है यहाँ पे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलालिटी कहेंगे, है ना। इसका भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, है ना, इसका भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिएगा, है ना, मोलालिटी बराबर लिख सकते हैं एम बराबर व्हाट, नंबर ऑफ मोल, अच्छा ये मोल किसका, सॉल्यूट का, है ना, बटा, बटा क्या लेंगे, वेट, है ना, वेट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट, है ना, और ये किसमें, केजी में, ये फॉर्मूला बन गया। या फिर इसको और अगर लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर है ना मोल a बटा b इनटू w, आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा फिलहाल ये किसमें है, केजी में है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चंस केजी में ना दे, फिर ग्राम में कर दे, इसको एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं, a इनटू 1000 बटा b इनटू w, और ये किसमें आ गया, ग्राम में आ गया, है ना, बस। अच्छा, मोलालिटी और मोलालिटी में एक वर्ड का अंतर है, बस यहाँ का देखिए, यहाँ का अंतर है ना, वहां भी a इनटू 1000 बटा b था, यहाँ भी a इनटू 1000 बटा b, लेकिन वहां पे b था, यहाँ पे w है, है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलालिटी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा, इसका इसका अगर बात करा जाए, इसका अगर, है ना, इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, है ना, स्मॉल m से, स्मॉल एम से इसको डिनोट करेंगे, है ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, अपने हम लोग बना सकते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा, इसका यूनिट मोल पर केजी, बहुत ही आसान है, इस पे न्यूमेरिकल्स करते, थोड़ा जल्दी लिखिएगा। वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट का ग्राम दे दिया, केजी दे दिया, है ना। क्वेश्चन जैसे समझते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन समझते हैं ना, कैलकुलेट मोलालिटी, कैलकुलेट मोलालिटी इफ 10 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, है ना, 10 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन, इन मान के चलिए, व्हाट, अपने से मान के चलिए, है ना, 200 ग्राम ऑफ वाटर, बस दे दिया ये सॉल्यूशन। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, NaOH इज डिजॉल्व, देखिए लिखा गया है डिजॉल्व क्या किया गया है, NaOH का मतलब कितना ग्राम, 10 ग्राम, इसका मतलब A का वैल्यू दे दिया है कितना, 10 ग्राम दे दिया, बहुत बढ़िया। B पता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, अगर NaOH का अगर निकालने का कोशिश कीजिएगा तो कैसे, सोडियम का 11 दुना 22 और 23 ग्राम, ठीक समझते हैं, ऑक्सीजन 8 दुना 16 ग्राम, है ना, प्लस हाइड्रोजन 1 ग्राम, जोड़िए 6 और 7, है ना, और 7 और 3 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 40 ग्राम आ गया,
है ना, आसानी से आप प्रूव कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा वी दे दिया वॉल, सॉरी वी नहीं डब्ल्यू दे दिया है, कितना 200 ग्राम दे दिया है। पुट करते हैं हम, है ना, एम बराबर ए इंटू 1000 बटा बी इंटू डब्ल्यू। पुट करते हैं, ए दे दिया है 10 गुने 1000 बटा बी कितना दे दिया 40 गुने डब्ल्यू कितना दे दिया है 200। क्या बन जाएगा 0 0 कितना बार में 5 बार में, मतलब 5 बाई क्या आ गया 4 आ गया। जो भी कैलकुलेट करेगा दैट इज द आंसर ऑफ वाला लिपी। कोई दिक्कत नहीं, पक्का श्योर डन, बहुत ही आसान 11 क्लास में पढ़े ठीक। हां चल थोड़ी जल्दी लिखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट और जेई के लिए अलग सा हेडिंग बना दिए, हाँ स्पेशल फॉर नीट और जेई में, है ना, विशेष ध्यान दोगे। कभी कभी क्या होता है कि मोलारिटी देकर के मोलालिटी पूछेगा, मोलालिटी देकर के मोलारिटी पूछता, मीन्स क्या है कि कन्वर्ट दोनों में रिश्ता निकालना मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में। तो एक डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिए कि रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, एक फॉर्मूला है स्मॉल एम बराबर 1000 एम बटा 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए। अब थोड़ा सबका मीनिंग स्मॉल एम मोलारिटी नहीं 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 स्मॉल एम मतलब मोलालिटी, है ना, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी, लिटी अरे चोखा, लिटी चोखा बिहार का फेमस लिटी चोखा, आप भी खाइए, छोटे छोटे होते हैं ना, छोटा 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 होता है, तो छोटा क्या है स्मॉल है, मतलब स्मॉल लिटी छोटा है स्मॉल। कैपिटल एम क्या है मोलारिटी है, डी क्या है डेंसिटी है, एम क्या है मोलारिटी है, एम क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है जेई में नीट में, अगर बिलीव नहीं होता तो एक जेई नीट जेई 2016 का क्वेश्चंस करते हैं, है ना, जेई मींस में क्वेश्चंस क्या था थोड़ा देखिएगा, ये फॉर्मूला लिख ले, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी लिखते हैं क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया होंगे तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस क्या था, बेसिकली वो समझना हम लोग, है ना, चलते हैं क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कितने आए हैं जेई, है ना, जेई में इसका है 2016 का, डेंसिटी ऑफ अ 2.05 m, है ना, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.2 ग्राम पर एम एल, देन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, है ना, पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन 1.14 मोल पर केजी, दूसरा ऑप्शन है ना 3.28 मोल पर केजी, थर्ड ऑप्शन 2.28 मोल पर केजी, एंड चौथा ऑप्शन 0.44 मोल पर केजी, है ना। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दे दिया है, क्या नहीं दिया है, है ना, आप बनाओगे हम हिंट करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं ना, ध्यान से देखिए। देखिए डेंसिटी ऑफ कितना, अच्छा ये एम कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल, कैपिटल का मतलब व्हाट, मोलारिटी या मोलालिटी मोलारिटी, अरे नहीं यार मोलारिटी, यस मोलारिटी, मतलब मोलारिटी कहीं ना कहीं कैपिटल एम का वैल्यू दे दिया 2.05, मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी निकालना, अच्छा डेंसिटी यही तो है ग्राम पर एम एल, डेंसिटी है ना, डेंसिटी दे दिया 1.02। अच्छा बेटा ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, अच्छा क्या डाला जा रहा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, नहीं एसिटिक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH, इसका फॉर्मूला बन जाएगा कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12 ग्राम तो दो कार्बन का 24 ग्राम, है ना, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 24 ग्राम प्लस हाइड्रोजन, यहाँ 3 और 1 4 है, तो 4 प्लस
यहां ऑक्सीजन दो है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम तो दो ऑक्सीजन का 32 ग्राम है ना, कैलकुलेट कर लोगे जो भी आ जाएगा 4 2 6 6 4 10 3 8 2 5 5 8 6 है ना 16 ग्राम बेटा आ जाएगा ध्यान से। यहां से अगर निकालना है तो m बराबर होता है 1000 ऊपर लिख देना क्यों नीचे लिखेंगे है ना, अ स्मॉल m बराबर होता है 1000 m बटा 1000 d माइनस m इनटू ma बेटा ma दे दिया ma मोलारिटी दे दिया मोलारिटी दे दिया मोलारिटी दे दिया डेंसिटी दे दिया क्या m निकालना है तो क्या नहीं निकल जाएगा आसानी से निकल जाएगा है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूला पे पुट करना था एंड यू विल गेट द आंसर है ना। बेटा लेक्चर लंबा हो रहा है जिसके चक्कर में मोल फ्रैक्शन को कर लेंगे है ना, और अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यहां प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू ओके। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब कभी भी नया सा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए है। अपने भी हंसते रहें दूसरों को भी हंसाते रहें, तब तक बाय गुड नाइट।